हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी अच्छे स्कूल की वैकेंसी के बारे में जो कि सैनिक स्कूल से आई है। यहाँ पर सैलरी के साथ में आप लोगों को फ्री रेजिडेंस और फ्री फूड भी अवेलेबल कराया जाता है। आयु 21 से 40 वर्ष रखी गई है। तो अलग अलग पोस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली गई है। योग्यता चयन कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो नोटिफिकेशन जो कहाँ से आया है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, सैनिक स्कूल झुंझुनू से ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर किसी भी राज्य के कैंडिडेट, यदि आपका सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, काउंसलर के लिए, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट जो है पीजीटी की रहेगी, टीजीटी की रहेगी, और इसके अलावा काउंसलर की वैकेंसी है। कैसे चयन होगा तो आप जो है अच्छे से ध्यान से जो है वीडियो को सुनिएगा। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की है, और काउंसलर की वैकेंसी है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को काम करने का मौका मिलता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल नहीं खोएं, क्योंकि यहाँ पर सैलरी के साथ में आप लोगों को रेजिडेंस, फूड, ये सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ठीक है, पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैथमेटिक्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड भी जो है यहाँ पर मांगा गया है। मास्टर डिग्री में आपके जो है 55% मार्क्स होने चाहिए पीजीटी इंग्लिश के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो भी जो है यहाँ पर जो कंपलसरी आपके पास क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में और बीएड चाहिए ही। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैलरी जो है 7 CPC के अकॉर्डिंग 65,000 पर मंथ आप लोगों को यहाँ मिलेगी। 21 से 40 वर्ष तक के जो हैं कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म डाल पाएंगे। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर साइंस के लिए जो है काफी ऑप्शन रहते हैं। अगर आपके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर किया है आईटी से, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, ठीक है, डिप्लोमा वाले भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो बीएड जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जिनके पास बीएड है तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें 63,758 आपको पर मंथ दी जाएगी, और 21 से 35 साल तक यहाँ पर उम्र रखी गई है। पीजीटी के लिए 21 से 40 वर्ष है और 21 से 35 वर्ष है सोशल साइंस टीजीटी के लिए। यहाँ पर अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा है 50% मार्क्स के साथ में और बीएड है आपके, ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ज्योग्राफी में या पॉलिटिकल साइंस में या इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में या हिस्ट्री में, 55% मार्क्स होने चाहिए। बीएड एमएड अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। प्लस आपके पास जो है सी टेट या आपके राज्य का टेट, ठीक है, तो आपके राज्य का टेट, स्टेट टेट या फिर सी टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास किया है, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊं, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपके पास सी टेट या स्टेट टेट किसी भी राज्य का, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, रीट वाले भी जो हैं यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट काउंसलर की वैकेंसी है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट में किया है और पोस्ट ग्रेजुएट किया है अगर चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो आप यहाँ पर फॉर्म जब डाल पाएंगे जब आपके पास जो है एक डिप्लोमा होगा करियर गाइडेंस या काउंसलिंग में। यहाँ पर सैलरी काउंसलर की है 63,750 पर मंथ और 21 से 35 साल यहाँ पर उम्र रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कितनी कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देखें
यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश के लिए कहा है कि एसटी कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है। अगर एसटी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता है तो इन केस में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ये सीट फिल करा ली जाएगी। ठीक है, पीजीटी में कहा है कि सीट जो है ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, सबसे पहले प्रायोरिटी ओबीसी के कैटेगरी को दी जाएगी, अगर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी से फिल करा लिया जाएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एससी और अनरिजर्व कैटेगरी जिसमें कोई भी फॉर्म भर पाएंगे। पीजीटी के लिए जो है एक है और जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, सबसे पहले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से फिल कराया जाएगा, यदि नहीं मिलते हैं कोई भी कैटेगरी का यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एज बता दी, सैलरी बता दी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसके अलावा कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट में किस किस सब्जेक्ट की, सिलेक्शन कैसे रहेगा। तो चलिए यहाँ पर जो है सिलेक्शन आप लोगों का होगा एग्ज़ाम, और जो कि एग्ज़ाम रहेगा 18 या 19 दिसंबर को इंग्लिश कंप्यूटर साइंस और काउंसलर का, 20 और 21 दिसंबर को रहेगा सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का, 8 बजे होगा आप लोगों का एग्ज़ाम। सैनिक स्कूल में टीचर्स जो है बहुत अच्छे लेवल के जो टीचर्स होते हैं यहाँ पर रखे जाते हैं, अगर एक साल भी काम कर लेते हैं तो जब परमानेंट वैकेंसी यहाँ की आती है, यानी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तरह ही जो है यहाँ पर रहेगा आप लोगों के लिए, जो भी यहाँ पर पहले से एक साल भी पढ़ाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है इंटरव्यू के समय में। तो एक एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम को क्लियर कर लेगा, तो आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, आप लोगों का जो है आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो है डेमो होगा या फिर जो है इंटरव्यू, ठीक, ये जो रहेगा। कैसे अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा, यानी आप लोगों को एनवलप के ऊपर द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान ये लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये आप लिखेंगे, जैसे कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल साइंस ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स, 10th के बाद के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी आपके पास जो है डॉक्यूमेंट हैं, तो उन पर जो है उनकी फोटोकॉपी पर खुद के जो है साइन कर लेंगे, और उसमें आप लोगों को रिज्यूम या बायोडाटा के साथ में भेज देना है, ठीक है। ऑनलाइन नहीं भेजना, ऑफलाइन मोड ही जो है केवल आप लोगों को भेजना होगा। साथ में जो है ₹500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी, जो कि आप पोस्ट ऑफिस से या बैंक में जाकर बनवा सकते हैं। जनरल कैटेगरी के और ओबीसी के कैटेगरी के लिए जो है ₹500 फीस लगेगी, यानी डिमांड ड्राफ्ट जो है आप स्कूल के नाम का बनवाएंगे, एससी एसटी कैटेगरी ₹250 का बनवाएंगे, और किस नाम से बनवाएंगे, तो ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिस भी स्कूल के लिए जो है आप बनवाते हैं तो उस स्कूल का नाम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, एसबीआई ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू। लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 9 दिसंबर 2023 जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट, ठीक है, तो केवल रजिस्टर पोस्ट करनी है, स्पीड पोस्ट करनी है, नॉर्मल पोस्ट आप लोगों को नहीं करनी है। स्कूल के पास भी अगर आप रहते हैं तो भी बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है, बाय हैंड आप लोगों को वहां पर जमा नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ये लिखा हुआ है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम जरूर लिखना है, कैपिटल लेटर पर लिखना है एनवलप के सबसे ऊपर, और जो है सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान से वैकेंसी है, मेन वेबसाइट पर आप लोगों को कहाँ मिलेगा विज्ञापन, तो सैनिक स्कूल झुंझुनू की जैसे ही मेन वेबसाइट पर आते हैं आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा है, यहाँ पर चलता हुआ एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल 2023, तो ये जो विज्ञापन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने पूरा विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। इसे आप पहले पढ़ लेंगे, दोबारा से पढ़ लेंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है कुछ भी ना छूटे, इसलिए इसको दोबारा पढ़ लेंगे, फिर जो है अप्लाई करना है। ऐसा मौका बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा मौका जो भी स्टूडेंट छोड़ देते हैं तो पूरे साल भर जो है उनको ये सोचना होता है कि हमें जो है सैलरी भी चाहिए, हमें पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, तो सैलरी भी जो है मिलती रहे और आपके सब्जेक्ट पर कमांड भी बनती रहे, तो ऐसे जो अपॉर्चुनिटी आती हैं इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।